नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव देश के सबसे बड़े निकाय चुनाव है। इन चुनावों में भाजपा सरकार के खिलाफ व्यापक माहौल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि नतीजों में साफ हो जाएगा। वहीं सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो और नियमावली में जो फेरबदल किए गए हैं उस पर निर्वाचन आयोग अपना ध्यान केंद्रित करे। निर्वाचन आयोग की है कि निष्पक्ष मतगणना और निष्पक्ष मतदान हो, और मतगणना में ये स्पष्ट रूप से नियमावली में व्यवस्था है कि प्रत्येक राउंड प्रत्येक चक्र के मतगणना होने के तत्काल पश्चात अलाउंस के माध्यम से माइक के माध्यम से उसकी तत्काल घोषणा की जाए प्रत्याशीवार और ब्लैक बोर्ड में अंकित किया जाए। लेकिन जो एक 15/4 को जो एक पत्र गया है चुनाव आयोग का जिलों में, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है, जो अपने आप शंका भी प्रकट कर रहा है और संशय भी उत्पन्न कर रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों का निवेदन है, आग्रह है कि निष्पक्ष मतगणना के लिए ये अति आवश्यक होगा कि प्रत्येक राउंड में जो मत आए हैं, जिन प्रत्याशियों को जितने आए हैं उन्हें घोषित करने के उपरांत ही दूसरे चरण की मतगणना प्रारंभ की जाए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।